All classes English grammar. Welcome to online class. We have started grammar. उसमें आपको tense के बारे में last class में बताया था, ठीक है? तो आज वो जो first tense है, उसको लेंगे, ठीक है? तो first tense आएगा present. तो present के चार भाग होते हैं. देखिए, tense यानी काल, present यानी वर्तमान. वर्तमान को हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये जो अभी काल चल रहा है, एज अ प्रेजेंट बोलते हैं, तो ये चल रहा है, तो इसीलिए आपको इसको समझना जरूरी है. उसमें चार पार्ट होते हैं. फर्स्ट आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव, सेकेंड आएगा प्रेजेंट सिंपल, थर्ड आएगा प्रेजेंट परफेक्ट, तीस फोर आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. सबसे पहले लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस. ठीक, कंटिन्यूअस का मतलब है कंटिन्यू बात करना. हाँ, और स्ट्रक्चर इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट में आएगा ए, इज और आर. ये तीन जो है शब्द, इनसे ही सब्जेक्ट बनता है. ठीक है, तो सब्जेक्ट लेंगे प्लस वर्ब लेंगे. वर्ब यानी होता है क्रिया प्लस आई एन जी, ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट लेंगे. ठीक, उदाहरण पहला है इसमें अफर्मेटिव. अफर्मेटिव यानी स्वीकार. इसके बारे में उदाहरण देखेंगे. ही इज लर्निंग इंग्लिश. वह है अंग्रेजी सीख रहा है. ठीक, देखिए ही यानी वह, तो जो सब्जेक्ट आएगा वो आएगा इज. ये आपका सब्जेक्ट, ठीक है. अब ऑब्जेक्ट इंग्लिश, ये ऑब्जेक्ट है, ये करता है और सब्जेक्ट कर, ये ठीक है. इंग्लिश में जब ये लिखेंगे ही इज लर्निंग, वर्ब जो हुआ लर्न, ठीक है, ये वर्ब, और इसमें हमने आई एन जी को प्लस किया है. ठीक है, वर्ब में लिखा है एल ई ए आर एन, लर्न प्लस आई एन जी इसमें लगाएंगे तो हो जाएगा एल ई ए आर एन आई एन जी, लर्निंग इंग्लिश. ठीक, देखिए दूसरा आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नेगेटिव नकारात्मक. उदाहरण देखते हैं, टीचर्स दे आर नॉट टीचिंग अस. इसमें नॉट, नॉट यानी नहीं, है ना, तो टीचर जो है नहीं पढ़ा रही. ठीक, आपको मालूम होना चाहिए कि एक वचन द्विवचन है ना, तो जब कोई भी एक होता है तो ही के साथ क्या आता है, वह, ही के साथ आता है इज, है ना, शी प्लस इज. ठीक है, लेकिन टीचर्स लिखा है टी ई ए सी एच ई आर, टीचर्स के साथ आएगा वे आर. ठीक है, ये तो ये इसका नेगेटिव एग्जाम्पल. तीसरा आता है इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नात्मक. वाह, प्रश्न.
प्रश्नात्मक में उदाहरण लेंगे, आर वी लेइंग, आईएनजी, ठीक है, और प्रश्नात्मक आ गया, तो ये इंटरोगेटिव का एक एग्जांपल है। सेकंड नंबर, राइट टू एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अफर्मेटिव में देना है दो, नेगेटिव में दो और इंटरोगेटिव में भी दो एग्जांपल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, आप जो है उसको लिख के समझ के और आप दो दो एग्जांपल और प्रैक्टिस करेंगे, कॉपी में तो जरूर उसको नोट करेंगे।